नमस्कार थिंक टैंक देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डर की। एक ऐसा डर जो नरेंद्र मोदी जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एक ऐसा डर जो चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और ये डर किससे है, आखिरकार किससे नरेंद्र मोदी जी इतना डर गए हैं और क्यों डर गए हैं, इस क्यों का जवाब तो मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन किससे ये डर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इतने सस्पेंस में अपने ऑडियंस को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो कांग्रेस पार्टी से डर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी और बेहद डर चुके हैं। इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन विपक्ष जो कि IMDIA इंडिया बन चुका है, उसकी थोड़ी नई नई खबरें आपको बता देती हूँ। इंडिया की तरफ से बयान आया है कि नरेंद्र मोदी जी हमसे डर गए हैं। आप इमेजिन करिए, एक ऐसा गठबंधन जो खुद नरेंद्र मोदी से डर के बना है, यानी कि किसी पार्टी को उम्मीद नहीं है कि वह अकेले नरेंद्र मोदी का सामना कर सकती है, अकेले नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। अब उस डर से वो गठबंधन इंडिया बना है और वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमसे डर गए हैं। है ना कॉमेडी? अभी कॉमेडी हमें भी लगी थी, लेकिन क्या करें, विपक्ष में जो दल है और जो नेता है उनकी सोच ही कुछ ऐसी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम राजस्थान के नेताओं ने काले कपड़े पहने और शोक जताया और दुख जताया कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की घटना को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि वे तो तैयार हैं, आप आइए और सुनिए। लेकिन आप तो न जाने क्या चाहते हैं, आप इतने बौखला गए हैं जब से अमित शाह जी ने कहा था कि आइए हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको उस मुद्दे को जीवंत रखना है ताकि आप नरेंद्र मोदी जी पर उनका उनका चरित्र चिंतन कर सके, उनके उनके कैरेक्टर को कैरेक्टराइज्ड कर सके, आपको ये करना है। इसी के साथ साथ एक और खबर आ रही है इस इंडिया से जुड़ी हुई। हाल फिलहाल में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि ये किस प्रकार का इंडिया है जिसे भारतीय हितों से कोई मतलब नहीं है, जो भारतीय हितों पर चर्चा नहीं करने देता, जो भारतीय हितों पर चर्चा करना नहीं चाहता, ये किस प्रकार का इंडिया है। ये तो वही इंडिया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम के अंदर इंडिया लगा लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवासियों पर कितने जुल्म किए हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच शायद वहीं तक सीमित है। उनको लगता है कि इंडिया लगा लिया तो उनका नाम जगमगा गया, रोशन हो गया, ऐसा ही कुछ इंडिया को लगता है। इसी के साथ साथ केरल से एक बड़ी खबर आई है। ये सारी खबरें आपस में जुड़ी हुई है और अंत में नरेंद्र मोदी जी किससे डर गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों केरल से एक बड़ी खबर सामने आई। केरल में देश विरोधी नारे लगे, केरल में हिंदू धर्म के प्रति विरोध जताया गया और अनाप शनाप बातें की गई, जिसे देखने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की चोंच से एक शब्द तक नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी के मुंह से कोई बयान नहीं निकला और एंड मौके पे 3-4 अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया, उससे पहले किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। और यही मैं आपको लिख के देती हूँ, यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के प्रति नारे लगाता, बयानबाजी करता और अन्य धर्म पर जुल्म ढहाता तो आप इमेजिन करिए आज देश का माहौल क्या होता। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जो केरल में सेक्युलर बताते हैं और मुस्लिम लीग को, आज वो अपनी चोंच क्यों नहीं हिला रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उनकी सरकार है केरल में, लेकिन क्यों उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। ये सारे मुद्दे मैंने आपको बता दिए विपक्ष से जुड़े हुए, जो आज तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में बैठ के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बात नहीं करते हैं। अरे आप राजस्थान की कहाँ बात करते हैं, आप पश्चिम बंगाल की कहाँ बात करते हैं, आप बिहार की कहाँ बात करते हैं। तो तमाम तरीके के मुद्दे देश से आए दिन सामने आते रहते हैं, आप उसकी कहाँ बात करते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वही नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 2014 से अब 2023 तक 80% बढ़ा दिया है। वहीं बात करें अमेरिका की, जो विश्व की नंबर वन अर्थव्यवस्था है, वहां की GDP केवल 54% बढ़ी है और भारत की 80% बढ़ी है। अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, चाइना को भी पछाड़ दिया है भारत की अर्थव्यवस्था ने। ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक दावा भी ठोक दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान से ये दावा किया है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि तीसरी बार भी उन्हीं को राज मिलने वाला है और वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सत्ता पे काबिज होने वाले हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जो कि 9 सालों में नंबर 5 पर आ गई है 10वें से छलांग मारते हुए। अब इसी तरीके का वादा नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से कर दिया है, लेकिन अब वो कौन सा डर है जो नरेंद्र मोदी जी को सता रहा है? डर की बात करें उससे पहले दो खबरें और मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटक में जहां नई नई सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और जो वहां के उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उनका ऑफिशियल बयान आया है जिन्होंने कहा है कि इस साल हम कर्नाटक में किसी भी तरीके से विकास को लेकर कोई भी नए नए प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं और विकास को लेकर कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने फ्री की रेवड़ी का वादा किया था, जो 5 गारंटियां उन्होंने भरी थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए 140 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च होने वाले हैं और उसके अलावा उन्हें किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है उनके पास। और अब बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले की सरकारों ने खजाना खाली कर दिया। जब खजाना खाली था तो आपको क्या मतलब था, आपको इतने लंबे लंबे वादे करने का, इतने लंबे लंबी गारंटियां देने का क्या मतलब था? कि आपको नहीं पता था कि यहाँ का खजाना खाली हो चुका है, बताइए। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए करोड़ों की खपत सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ 15,000 सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। महीनों का समय गुजर चुका है लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है, यानी कि पुरानी योजनाओं को लाते लाते, फ्रीबीज की गारंटी देते देते, फ्री की रेवड़ी की गारंटी देते देते इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। और यही डर नरेंद्र मोदी को है, जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर देश की जीडीपी को एक लेवल तक पहुंचाया, लेकिन ये सभी पार्टियां मिलकर जीडीपी की धज्जियां उड़ाने में लगी हैं। ये डर है नरेंद्र मोदी को, उन्हें कुर्सी का डर नहीं है, उन्हें इंडिया का डर नहीं है, जो सो कॉल्ड INDIA डॉट वाला इंडिया जो है उन्हें उसका डर नहीं है, उन्हें डर है अपने भारत की अर्थव्यवस्था का, कि वो तहस नहस ना हो जाए। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।